mud therapy is very important in nature cure because it is totally based on earth. यानी कि जो पांच महाभूत है जिसके ऊपर पूरा नेचुरोपैथी बेस करता है, उसमें पांच एलिमेंट्स में से एक होता है पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है मड थेरेपी। About one of the most important therapy in nature cure, that is mud therapy, which heals many diseases. Basically, mud and human, the relation is very old, ancient relation. जहाँ generally कहा जाता है कि हमारा शरीर भी पंचभूत में ही विलीन होता है, क्योंकि मरने के बाद जब जलाया जाता है या किसी को दफनाया जाता है तो उनकी जो बॉडी रहती है वो मिट्टी में ही मिक्स्ड हो जाती है। सो हमारा मिट्टी के साथ बहुत ही एक रिलेशन है अच्छा सा, और वही चीज़ हमें हमारे शरीर के डिसीज़ को क्योर करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसे हम डिस्कस करते हैं आज अलग अलग पॉइंट वाइज, जैसे कि बेसिकली मिट्टी ही क्यों यूज़ होती है, उसमें क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, देन मिट्टी कैसे अप्लाई करते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अलग अलग कौन से ऑर्गन्स में ये यूज़ होती है, इत्यादि चीज़ों का हम ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली मिट्टी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही एक क्योरेटिव प्रॉपर्टीज़ के जैसे है हमारे शरीर के लिए। मिट्टी का गुण है वो कूलिंग इफ़ेक्ट देती है, यानी कि बॉडी को रिलैक्स कर देती है। कूलिंग इफ़ेक्ट के वजह से हमारी बॉडी की जो एक्सेस हीट है वो रिड्यूस हो जाती है, प्लस मिट्टी में मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर के वजह से वो कूलनेस प्रिवेंट हमें बॉडी में देती है, और वही चीज़ एक्सेस फीवर रहेगा या कोई भी पेन रहेगा या सूजन रहेगी इत्यादि चीज़ों में हमें हेल्प करती है, हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करती है। मिट्टी में एक और गुण रहता है एब्जॉर्प्शन, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करने का सबसे अच्छा गुण मिट्टी में रहता है, इसीलिए मड थेरेपी शरीर के काफ़ी सारे डिसीज में यूज़फुल है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ही हमें काफ़ी सारा रिलीफ मिल सकता है, काफ़ी ऐसे क्रॉनिक डिसीज है जो सिर्फ मिट्टी के एप्लीकेशन से क्योर होते हैं। सो आइए देखते हैं डिटेल में इसके बारे में। बेसिकली वी स्टार्ट के मिट्टी किस अलग अलग तरह की होती है, थेरेप्यूटिक वे में हमें कौन सी मिट्टी ज़्यादा यूज़फुल है। बेसिकली हमारे इंडिया में अलग अलग प्रांत के हिसाब से अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि एक मुल्तानी माटी बहुत ही कॉमन है, सबको मालूम है, वैसे काली मिट्टी रहती है, लाल मिट्टी जैसे हम गेरू के नाम से भी जानते हैं, प्लस पीली मिट्टी रहती है, वाइट सॉइल रहता है, सो ऐसे अलग अलग तरीके की मिट्टी रहती है और उसके अलग अलग यूज़ भी रहते हैं। वैसे ही एक बालू करके रहता है जिसे हम रेत बोलते हैं, समंदर की रेत, वो भी हमारे डिसीज़ काफ़ी सारे डिसीज़ को क्योर करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। बेसिकली एक वॉल्केनो मड रहता है, जो ज्वालामुखी से निकला हुआ जो मड रहता है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे मड ऐसे हैं जिसमें काफ़ी रिच मिनरल्स होते हैं, आयरन रहता है, कैल्शियम रहता है, सो इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें भी हमारी बॉडी में अगर डेफिशिएंट लेवल पे चल रहा है तो उसे कवर अप करने में भी हेल्प करता है। वैसे ही एक डेड सी मड भी रहता है जो अगेन थेरेप्यूटिक वे में काम आता है, बट हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो इजीली अवेलेबल है और जो ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज़ में क्योर करने में हमें हेल्पफुल रहती है, एंड दैट इज़ ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी के काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स भी उतने ही फास्ट और अच्छे रहते हैं। बिफोर वी से कि हम अलग अलग मिट्टी का डिस्कशन कर रहे हैं, मिट्टी जनरली कैसे यूज़ होती है। बेसिकली डीप सी मड या तो जो हम काली मिट्टी की बात कर रहे हैं उसका जो एप्लीकेशन रहता है वो फुल बॉडी मड बाथ के जैसा रहता है, यानी संपूर्ण माटी स्नान जिसे कहते हैं,
और एक रहता है लोकल एप्लीकेशन, यहाँ यानी कि जो अफेक्टेड पार्ट है जहाँ पे डिसीज़ है, जैसे कि स्टमक के ऊपर माटी की पट्टी लगाई जाती है, आँखों के ऊपर माटी की पट्टी लगाई जाती है, इस तरह से माटी की पट्टी बनाई जाती है। ये बेसिकली आँखों के लिए है, जिसे हम आँखों के ऊपर रख के 15 से 20 मिनट हमें सोना है या तो रिलैक्स होना है। इसी तरह से अलग अलग पट्टी बना के हम अलग अलग बॉडी पार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली मिट्टी कैसी होनी चाहिए और उसे कैसे अप्लाई करना है पहले वो देख लेते हैं। सो जनरली हम काली मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से ये काली मिट्टी रहती है, ये ड्राई फॉर्म में मिट्टी है। सो इस मिट्टी को हमें लेना कैसा है, कैसे हमें ये मिल सकती है? सबसे अच्छी है तालाब, सूखे तालाब की मिट्टी, या तो तालाब के नीचे 5 से 6 फीट के गट्ठा करके उसमें से जो मिट्टी निकाली जाती है वो इस तरह से रहती है। दूसरी है कि बिना जोते हुए जो खेत रहते हैं जिसमें कोई फसल नहीं उगती है जनरली, उस खेत में से भी अगर आप 4 से 5 फीट तक नीचे से मिट्टी खोद के निकालते हैं तो वो बहुत ही थेरेप्यूटिक वेज में यूज़फुल मड रहता है। सारी जो भी आप मिट्टी निकाले इस तरह से, तो ये इस फॉर्म में नहीं रहती है जनरली, वो बड़े पत्थरों के फॉर्म में या तो कंकर रहते हैं, उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ रहती है। तो मिट्टी को थेरेप्यूटिक यूज़ करने से पहले आपको इसे अच्छे से छानना पड़ेगा, इसे साफ़ करना पड़ेगा, फिर उसे सुखाना पड़ेगा, और सूखने के बाद जब ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होती है तभी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरह से आपको सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए मड को रेडी करना पड़ता है। मेक श्योर कि हम मिट्टी को थेरेप्यूटिक वे में यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मिट्टी जितना इन्फेक्शन क्योर करने में हेल्प करती है, अगर आपकी गलती से कुछ ख़राब मिट्टी या इन्फेक्शियस मिट्टी भी अगर आप गलती से ले लेते या चेक नहीं करते, क्लीन नहीं करते, तो वो रिवर्स इफ़ेक्ट दिखा सकती है। सो बेसिकली इस तरह से हमें मिट्टी को सबसे पहले क्लीन करना है ताकि उसकी कोई भी रिवर्स इफ़ेक्ट हमें ना आ पाए। इसके बाद कैसे अप्लाई करते हैं इसे, सो इस तरह से आपके पास जो मिट्टी रहती है उसे आपको कांच या तो मिट्टी का बाउल, आपके पास जो इजीली अवेलेबल है उसमें इसे मिट्टी को डाल के पानी उसमें थोड़ा सा ऐड करके, जैसे हम इस तरह से पेस्ट बनाते हैं, इसे कड़क पेस्ट होनी चाहिए, जैसे आप अप्लाई करो तो वो पैक के जैसा होना चाहिए। सो इस तरह से आपको पहले पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट पेस्ट बनाना पड़ेगा। अप्लाई करने से पहले इसे पानी में 5 से 7 घंटा मिनिमम, या तो यू कैन से ओवरनाइट आपको सोक करके रखना पड़ेगा, तो ही ये मिट्टी की प्रॉपर्टी जो है वो क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट होती है, क्योंकि मिट्टी का गुण है एब्जॉर्प्शन। सो अच्छे से पानी को सॉक कर दे ताकि उसकी कूलिंग इफ़ेक्ट मिल सके, उसके मिनरल्स इत्यादि जो हमें थेरेप्यूटिक वे से चाहिए वो प्रॉपरली यूज़ हो सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, इस तरह से आप माटी की पट्टी अपने बॉडी पार्ट के साइज़ के हिसाब से लगा सकते हैं, और अगर आपको संपूर्ण माटी स्नान ही चाहिए तो आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कोई भी आप मड थेरेपी अप्लाई करते हैं तो अप्लीकेशन के बाद उसे मिनिमम आपको 20 टू 30 मिनट्स इन बिटवीन रखना है, तुरंत उसे वॉश नहीं करना है। और अगर पॉसिबल है तो आप डायरेक्टली जो सन रेज रहता है उसमें आप बैठ के माटी स्नान के साथ सूर्य स्नान की विधि भी कर सकते हैं, जिससे आपको डबल बेनिफिट मिलता है। प्रकृति के साथ अगर कोई भी प्राकृतिक थेरेपी की जाती है तो वो 100% इफ़ेक्टिव है और फास्ट इफ़ेक्टिव है। सो ये सारी चीज़ें थी कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन सी मिट्टी यूज़ करनी है। सो आगे देखते हैं कि ये एप्लीकेशन तो ठीक है, पर ये एप्लीकेशन या तो मड थेरेपी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पे या अलग अलग बॉडी पार्ट और ऑर्गन पे कैसे इफ़ेक्टिव है, सो उसे देखते हैं।